बिहार चैप्टर का 28वां वार्षिक अधिवेशन हम लोग 13-14 मौर्या होटल में करने जा रहे हैं। हर साल की भांति इस बार हम लोगों ने इसका थीम रखा है बिहार में कार्डियोलॉजी इनोवेटिव कार्डियोलॉजी का विकास। एक जमाना था बहुत ज्यादा दिन नहीं 10-15 साल पहले बिहार में कार्डियोलॉजी काफी इन्फेंसी स्टेज में था। अब धीरे धीरे बहुत सारे ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट के आने के कारण अब काफी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैथ लैब जो पहले केवल पटना में एक या दो था अब छोटे छोटे शहरों में भी खुलने लगा है, गया में, मुजफ्फरपुर में। इसके कारण काफी विकास हो रहा है कार्डियोलॉजी का। हम लोग इसका सर्वेक्षण करेंगे तथा इसमें क्या योगदान हमारे सोसाइटी का रहेगा इस पर हम लोग विचार करेंगे ताकि हमारा स्टेट कार्डियोलॉजी के फील्ड में और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। को हम लोग बिहार कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं। इसमें पूरे देश से करीब 250 से 300 कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे और अलग अलग विषयों पर अपना व्याख्यान देंगे, केस प्रेजेंटेशन, काफ़ी चीज़ें होगा। चूंकि यहाँ पे अब डीएम और डीएमपी की सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई भी होने लगी है बिहार में पिछले कुछ सालों से, और हर साल करीब 30 से 40 कार्डियोलॉजिस्ट नए कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। 13-14 तारीख को आप लोग से भी रहेगा रिक्वेस्ट कि सब लोग आए वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रचार हो इस तरह का जो हम लोग के यहाँ काम हो रहा है बिहार में। धन्यवाद। जैसा कि सब लोगों ने बताया कि ये 28वां वार्षिक अधिवेशन है और ये कोविड के बाद हम लोगों ने पिछली बार 2018 में पटना में मिले थे, इसके बाद दरभंगा में 2019 में हुआ था, इसके बाद कोविड आप महामारी आप लोग सभी जानते हैं। हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग तो करी लेकिन फिजिकल मीटिंग जो है ये पहली बार कोविड महामारी के बाद हो रहा है। और इसका मुख्य केंद्र बिंदु जैसा कि सर ने बताया कि मेनली जो बिहार में इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं लाइक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, पहले बाहर जाना पड़ता था, अब यहाँ पे लगभग हर तरह के प्रोसीजर्स हमारे बिहार में हो रहा है। बहुत सारे कैथ लैब खुले हैं जो 2010 में जो प्रोसीजर्स हो रहे थे जैसे एंजियोग्राफी, कई गुना 10 गुना लगभग यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है जो 2010 की तुलना में हम कंपेयर करें तो। और ये एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है, जैसे डीएम स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, डीएमबी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और इस अधिवेशन में मुख्यतः करीब बाहर के डॉक्टर फैकल्टीज करीब 100 के फैकल्टी आसपास बाहर से आ रही है, कुल मिला के करीब 500 डेलीगेट्स इस अधिवेशन में भाग लेंगे। दो हॉल में ये हो रहा है और ये एक टोटल 1.5 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन शनिवार को सवेरे 9 बजे से शुरू होगा और 7 बजे तक चलेगा, दूसरे दिन 9 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक होगा ये प्रोग्राम है, और विभिन्न बिंदुओं पे परिचर्चा होगी। काफी चर्चा होगी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से स्नातक विद्यार्थी जो डीएम कर रहे हैं, डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं जो एमडी के बाद डीएम कर रहे हैं जैसे कि आईजीएमएस से, इंदिरा गांधी इंदिरा रोग संस्थान से, उस अधिवेशन में भाग लेंगे और परिचर्चा से लाभान्वित होंगे। ये हम लोग 2 साल के बाद जुट रहे हैं इस कार्डिकॉन 20th कार्डिकॉन के लिए, ये काफी उत्साहवर्धक है, काफी रिस्पांस है, समझते हैं काफी डेलीगेट लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और हम लोग फोकस तो इन्वेसिव कार्डियोलॉजी है ही, जहाँ यहाँ होता ही है एंजियोग्राफी कराने दिल्ली चला जाता, यहाँ सलाह देते हैं। एक आध लैब भी था तो लोग कहता था जब दिल्ली जाके कराएंगे यहाँ नहीं कराएंगे, एटलीस्ट अब मरीज दिल्ली से पटना आ रहा है कि पटना आईजीएमएस आईजीएमसी में आसानी से हो जाएगा, यहीं करा देंगे। ये रिवर्सल जो हुआ है कम से कम एंड मरीजों में क्रेडिबिलिटी भी है यहाँ के संस्थानों की, चाहे सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट में भी, सबसे क्रेडिबिलिटी बनी है। और काफी ये विख्यात लोग लखनऊ से डॉक्टर नकुल सिन्हा, पी के गोयल, दिल्ली से काफी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। महत्वपूर्ण इंटरवेंशन पर तो चर्चा होगी लेकिन हम लोग का फोकस हमेशा रहता है कैसे जो है यहाँ कार्डियोलॉजी में इलाज का स्तर बढ़ाया जाए, जिला स्तर पर सुविधा पैदा किया जाए। तो हम लोग सरकार से भी अनुरोध करेंगे, वो लोग भी आएंगे तो अनुरोध करेंगे कि स्टडी प्रोग्राम जो है बिहार का नया चलाया जाए कि जिला में थ्रोम्बोलिसिस हो जाए और फैसिलिटेटेड एंजियोप्लास्टी पटना सेंटर में नोडल में हो, इस बात के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और काफी डेलीगेट्स आ रहे हैं, 500 डेलीगेट्स आने की उम्मीद है, आप लोग काफी कवर करिए इसको
और जनता को मैसेज देना है कि सीएडी हार्ट अटैक एपिडेमिक है, इस बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार को, सोसाइटी को और आप लोगों को कुछ ना कुछ करना है। अदर भाई, अभी दो तीन दिन पहले हमारे यहाँ भर्ती है लड़का, 20 साल का लड़का, उसको एक्यूट एमआई एक्सटेंसिव हुआ, 20 ईयर, सोच नहीं सकता है कि तो ऐसा एक्यूट एमआई हो रहा, एटलीस्ट मैंने ही सर्वाइव, हम लोग ग्रामीण एंजियोप्लास्टी नहीं कर सके, थ्रोम्बोलिसिस किया हम लोगों ने उसका, इसका मैसेज ही फैलाना है। इंटरवेंशन में हम लोग काफी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो पटना में नहीं हो रहा है, उसके लिए दिल्ली बॉम्बे और चंडीगढ़ और चेन्नई जाना हो, पटना में वी आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। वेरी यंग पर्सन सर, दे आर 20 गेटिंग हार्ट अटैक एंड ही हैज डन अ थ्रोम्बोलिसिस इन दैट केस, दैट इज अ एक्यूट प्रोसीजर टू रेस्क्यू द पेशेंट, ऑफ कोर्स दे हैव गॉट नाउ गुड फैसिलिटी फॉर द एंजियोप्लास्टी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज Type is sense, progress is sense. This is how we need to face that. What we need, good many young doctors and must be dynamic doctors, those who are doing invasive cardiology, they should be readily available to us. Invasive cardiology, as Dr. President said, that 15 years before, it was almost impossible to do here. And now it is very extensively practiced by most of the people, all the hospitals, government and private hospital, IGIC, and also IGIMS, also aims to establish this now, getting slowing down, and also all other hospitals like the Paras, Poor, and all they are doing wonderful job, and you don't have to say you have to wait, heart attack, hua, kahan jana hai, nahi jana hai, kisko khojna hai, koi zaruri nahi. You are just to spell it, medical sir, and so many others. And you find that the very competent persons are available. What has happened on the newest to us, that in a couple of years, now we are very many well-trained DM, DNB cardiologists available to us. Those who are available in our cath lab, and they are able to help us. That is the biggest thing. We want to, this conference, particularly this year, we want to present all of them to you, press and to press as a whole, so that you can also propagate that who are the people having an instrument in their hand to help, and they are available to us every corner of it. And I could have been asking somebody, there is a name from G. Mishra, who is from Sasara. See, he is also doing angioplasty, he is also investing cardiology. And so good things that is happening, you cannot imagine earlier. Not in Patna, but whether the periphery. So this is the only good point that I find, that the most important point, that we want to present to you, our younger cardiologist, active cardiologist, trained cardiologist, competent cardiologist to you, so that they are at the service of people at large, those who need it. Because of all cardiovascular diseases, SCS, acute coronary syndrome or heart attack, it becomes a rampant killer and an instant killer. And unless you help them instantly and quickly, possibly nothing is going to happen. Later on, of course, you can treat them, but it is dragging that is there. But you can rescue them and this particular disease. The number one cardiac mortality hai Bihar mein, जिसे कारण ज़्यादा से ज़्यादा डेथ होता है। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पज सही होता है, हर एक साल होता है कॉन्फ्रेंस, पर जो लास्ट एक साल में जो डेवलपमेंट होता है, नई चीज़ें आती हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बिना कॉन्फ्रेंस के माध्यम में बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको बार बार हम लोगों को याद करना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को कैसे जो इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले मरीजों को, चाहे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डेथ, सडन डेथ, और जो जैसे इतना कॉमन हो गया, रैम्पेड हो गया हमारे बिहार में, बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लोग गैस ये सब के चक्कर में रहकर टेस्ट हो जाता है घर पे ही। तो ये सब जो इशूज हैं, इसको आम आदमी को जानना बहुत जरूरी है, खासकर डॉक्टर को तो सबसे पहले जानना है कि कौन मरीज को हार्ट का बीमारी है क्या, इसमें आए हैं फिजिशियन लोग, MBBS, MD, उन लोगों को हम लोगों को बताना है कैसे जल्दी जल्दी पहचाने, रेफर करें, क्या पेरीफेरी में सब जगह सेंटर हो रहा है, गया हो, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, तो सब जगह अभी सेंटर स्टार्ट हो गए हैं जो जहाँ पॉसिबल है सब चीज़। बिहार में अब सभी जगह ऑल पेरिफेरल सेंटर्स में
अवेलेबल है, अच्छा कार्डियोलॉजिकल सेंटर्स अवेलेबल है। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग पेरिफेरल फिनिशियंस और हमारे पूरे देश के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट सभी मिलके डिस्कशन करेंगे डिजीज और उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। और हम लोगों को और खासकर प्रेस को, आम लोगों को ये पहुंचाना है कि कोई भी सिम्टम होता है अगर हृदय रोग संबंधित, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। यंग लोगों में खासकर ये आदत हो जाता है कि कुछ ये हम यंग हैं और हमको नहीं हो सकता है और हृदय क्या है, तो उसी में डिले होता है मैनेजमेंट में और डायग्नोसिस में, और उसी के कारण कभी कभी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो हल्का फुल्का भी अगर सिम्टम लगता है, जैसे हमारे बहुत ही फेमस गायक का हुआ या कल राजू श्रीवास्तव जी का हुआ, तो कोई भी हल्का भी सिम्टम आता है जो कि गैस का भी हो सकता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर से मिलना है और पेरिफेरल फिजिशियंस और उनको भी जागरूक रहना है कि किस सिम्टम को हम लोग को ब्लड डायग्नोसिस करें और तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को कैसे रिफर करें। तो इसी के बारे में हम लोग आपस में टेलीफोन में चर्चा करेंगे और प्रेस के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करना है कि किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना है और जल्दी से नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना है। बस यही कहना चाहता हूँ कि कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया विगत 28 वर्षों से कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट और इसका आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील है और आज पटना कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट में आसपास के कई प्रदेशों से बहुत आगे है। तो कार्डियोलॉजी के ट्रीटमेंट में जो प्रॉब्लम होती है पैसों की, तो आज हम बताएंगे कार्डियक सर्जरी जो ऑपरेशन ऑफ हार्ट सर्जरी होती है पटना में 6-7 सेंटर्स में हो रहे हैं और एम्स में या IGMS में जब से शुरू हुई है और बिहार के सरकार मुख्यमंत्री सहायता कोष और प्रधानमंत्री सहायता कोष से पैसे मिलते हैं, तो काफी अब आम जनता को कम दरों में कार्डियक सर्जरी की सुविधा हो गई है। एम्स में भी बता दूं कि आज हम लोग 50वां ओपन हार्ट सर्जरी करके आ रहे हैं और इसके लिए मैं आभारी हूँ कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का कि जो शुरू से ही CME कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप जागरूकता अभियान कैंप्स लगा के कार्डियोलॉजी के उत्तम ट्रीटमेंट के लिए हमेशा काम किया है, यंगस्टर्स को किया है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस भी सफल होगा। जो आपके माध्यम से जो है लोगों के बीच में पहुंचे इस बात को, जो हृदय रोग का लक्षण क्या है, कैसे इसको जो है पहले तो बचाओ, इस रोग में जो है 100% की बात होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, बचाव से इलाज से बचाव बेहतर, तो उसको जानना है जो किस तरह से बचना है। और लक्षण जानने के लिए आपका जो प्रश्न था, तो उसमें जो है यदि किसी भी व्यस्त व्यक्ति को खास करके पुरुष को जो है यदि कम उम्र के हैं 50 साल से नीचे के हैं, महिलाओं में 50 साल से ऊपर का भी जो है, क्योंकि उसमें जो रजोनिवृत्ति के बाद मेनोपॉज के बाद जो है बराबर हो जाता है, लेकिन 50 साल से नीचे 45 साल से नीचे में पुरुष में जो है यदि जिस तरह का लक्षण आपने बतलाया, सीना के बीचों बीच दर्द हो, बेचैनी हो बहुत ज्यादा, उबकाई जैसा हो, उल्टी होने लगे या बदहवासी भी हो जाए, कभी कभी बदहवासी भी हो जाता है इसमें जो है, तो वो जो है पसीना साथ साथ चले, तो हो सकता है जो है हृदय रोग का लक्षण हो, तो अविलंब जो है निकट में यदि कोई जो है ECG करने वाले डॉक्टर हो तो उनसे ECG जरूर करवाएंगे, और यदि किसी अस्पताल के पास में है तो वहां जाकर के एक ट्रोपोनिन टेस्ट होता है उसको भी करवाने से, ECG करवाने से उनका लक्षण, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है लक्षण जो है सर्जरी दिखता है, तो उसमें जो लोग मधुमेह से ग्रसित रहते हैं खासकर के 50% आबादी जो है जो हृदय रोग से प्रभावित होते हैं मधुमेह से ग्रसित, मधुमेह वाले में दर्द नहीं होता है, बेचैनी हुआ, एकाएक जो है बदहवासी होने लगा, तो वो हो सकता है हृदय रोग का हार्ट अटैक का लक्षण हो, तो ये सब चीज को पहचानना है, ये सब चीज आपके मीडिया से जो है जाएगा, जो जागरूकता बढ़ेगी इस बात की। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।